हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। अजय भट्ट जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस समय जम्मू कश्मीर के प्रवास पर हैं और कई बार हमने देखा है पिछले 9 वर्षों में कि जो मोदी सरकार है, खासतौर पर कई जो मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, बार बार कहते हैं कि अब एक ही कार्य बचा है, वो है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को वापस लेना। वो कैसे होगा? देखते जाइए, मेरा बोलना कुछ भी उचित नहीं है। एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइन, सब पूरे निर्धारित है। आपने देखा 370 हटी, जब समय आया, जब मोदी जी के हाथ में नेतृत्व तो आया देश का, तब हटी। लोग पहले कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी यहाँ, आज विकास की नदियां बह रही हैं। आतंकवाद पहले क्या प्रतिशत था, आज कितना है, कितने लोग इसकी भेंट चढ़े, अब किस तरह से आज विकास के लिए दौड़ रहे हैं। लगातार यहाँ के होटल आज फुल हैं, यहाँ सिंकारा वाले के पास काम है, क्रूज की बुकिंग बहुत लंबी चल रही है। इसी तरह से छोटे छोटे दुकानदार और यहाँ के जो शिल्पी हैं, वो आज उनके चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि उनकी बिक्री होने से आज वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, विकास की दौड़ में हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि एक समय ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाएगा, तो उसी प्रकार से आपको लगता है कि जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है वो भी वापस आएगा, ये संभव है? कुछ भी मेरा कहना ठीक नहीं है, समय बता देगा। आज हम बहुत बड़ी पॉलिटिकल शक्ति के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में उभर के आए हैं। विश्व के लोग, कोई भी घटना विश्व में होती है तो मोदी जी की तरफ देखते हैं कि भारत का क्या स्टैंड है। ये स्थिति हमारी आई है, जहां जो गलत करेगा, जो जैसा करेगा, वो वैसा भरेगा। अभी जो नए संसद को लेकर विवाद हुआ है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने, उनके एक नेता ने एक ट्वीट किया है और संसद की, नए संसद भवन की तुलना ताबूत से की। बताइए, संसद की तुलना ताबूत से कर रहे हैं क्या? कितना हमारे लोगों का अपना कैलिवर है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये कोई कहने की बात होती है? कुछ बोलना है कुछ भी बोल दो, मोदी जी को गरियाना है गाली दे दो। कभी पाकिस्तान में जाके एक नेता ने बहुत पहले गाली दी, अब एक बड़े भाई हमारे छोटे भाई होंगे उम्र में, वो आप विदेशों में जाते हैं वहाँ गरियाते हैं। यानी कि ना समझदारी इतनी है, बचकाना इतना है कि विपक्ष को आभास नहीं है कि पक्ष और विपक्ष क्या होते हैं, अभी तक आभास नहीं है। कुछ भी बोलना है बोल दीजिए, और इसीलिए दुर्गति की ओर जा रहे हैं लगातार और लगातार। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह की भाषा शैली बोल रहे हैं, जैसी बातचीत आज विपक्ष कर रहा है, इससे लोकतंत्र की कमजोरी का काम हो रहा है उनकी तरफ से। लेकिन जनता उतने ही तेजी से मोदी जी के साथ जुड़ रही है। कंकड़ तोड़ने वाला हो, बेलचा लगाने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, रेहड़ी पटरी पर छोटी छोटी ठेली लगाकर अपना परिवार चलाने वाला हो, पहले वो एक पार्टी उनको अपना वोट बैंक समझती थी, लेकिन आज अगर मोदी जी के खिलाफ कोई बोलता है, वो उठ खड़े होते हैं सम्मान में कि मोदी जी के खिलाफ हम सुन नहीं सकते हैं, हमारे नेता हैं। हर आदमी आज उनमें अपनी तस्वीर देख रहा है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अटूट विश्वास आज मोदी जी में है, इसका परिणाम 2024 में और दिखाई देगा। यासीन मलिक नाम का खूंखार आतंकवादी, जिसे 90 के दशक में कश्मीर घाटी में मासूम लोगों की हत्याएं की और आतंकी फंडिंग मामले में उसका कन्विक्शन भी पिछले वर्ष हुआ, एक दिल्ली की अदालत ने उसे उम्र कैद दी। अब NIA ने दिल्ली हाई कोर्ट यानी कि दिल्ली उच्च न्यायालय को अप्रोच किया और कहा है कि उसे मौत की सजा दी जाए, लेकिन उसको लेकर यहाँ जम्मू कश्मीर में राजनीति गर्मा गई है। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि उसको एक राजनीतिक कैदी के तौर पर देखा जाना चाहिए और इस पूरे मामले पर पुनर्विचार होना चाहिए। देखिए, कानून अपना काम हमेशा करता है, कौन अपराधी है, कौन निष्कलंक है और कोई कौन जेंटलमैन है, कौन सही आदमी है, यह निर्धारित करना कोर्ट का काम है। परिणाम आने दीजिए, आगे देखते जाइए क्या होता है। तो मोदी सरकार में बताइए कि अभी कश्मीरी पंडित समुदाय को लेकर क्या रणनीति बन रही है, उनके पुनर्वास के लिए क्या नीतियां बन रही है? हर व्यक्ति के लिए नीति है, अच्छी तरह से पुनर्वासित हो रहे हैं, हर एक को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, हर एक की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। थैंक यू। अभी जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है, हमने देखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तो अगर भविष्य में पाकिस्तान एक बार फिर कोई दुस्साहस करेगा तो किस तरह का जवाब मिलेगा? आज पाकिस्तान में एटम बम बन के उभरा है आटा, जो अपने देश को खाना नहीं खिला पा रहे हैं, 500-600 रुपए के दर्जन केले हो रहे हैं, उनके बारे में बोलना उचित नहीं है। हम हरेक का जो देश के साथ, हमारे देश के साथ कोई भी गलत काम करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए
पूरी तरह से सक्षम है। इसलिए एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने में कोई परहेज नहीं होगा। नहीं नहीं, कुछ भी अगर देश के साथ कहीं भी कोई गड़बड़ करता हो तो हम बहुत सक्षम हैं। सक्षम होने का मतलब आप निकाल सकते हैं, जैसे को तैसा। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ये थे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, और इन्होंने आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान भविष्य में कोई दुस्साहस करता है, कोई बड़ा आतंकी हमला करता है हमारे देश में, तो एक बार फिर से भारत जो है सर्जिकल स्ट्राइक करने में परहेज नहीं करेगा, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू।